क्विकली मैं क्योंकि समय कितना है, अच्छा ओके 25 मिनट है मेरे पास। सो ये जो देख रहे हैं आप रेंज, कुछ प्रोडक्ट सामने देख रहे हैं, शेविंग फोम है, फेस वॉश है, शावर जेल है, डायनामाइट हेयर क्रीम है। डायनामाइट रेंज का जो मेंस ग्रूमिंग जो है, मैं हर एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो चार बातें बताना चाहता हूँ जो लोग बिजनेस में है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग नए हैं आज उनको बहुत खुशी होगी कुछ बातों को। मैंने भी कल ही ट्रेनिंग ली लेकिन मैं बहुत खुश हुआ उससे, तो दिल में आया कि चलो उसमें थोड़ा बात करें। मेंस ग्रूमिंग ये एक बहुत ही अब इमोशनली ग्रोइंग इंडस्ट्री है। धीरे 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 आपको बताऊं, इतनी अवेयरनेस लोगों बढ़ते जा रही है। आप सब जानते हैं कि लोग अब दिन का कुछ समय तो जरूर अपने आप देते हैं, या तो बालों को, मेरे तो निकल भी गए, बालों को संवारते रहेंगे या चेहरे को देखते रहेंगे, या नहाने जाएंगे तो इतना रगड़ेंगे कि आज ही गोरा होना है उनको, यू नो तमाम चीजें। उनका कॉन्शियसनेस बढ़ गया है अपने प्रति और अपने ग्रूमिंग के प्रति। सो ये बहुत बड़ी चाहत से बन गई है। और एवरेज जो निकाला गया है ऑन एन एवरेज, एक आदमी दिन भर में 42 मिनट तक इस पे स्पेंड करता है अपने चेहरे के लिए, अपने ग्रूमिंग के लिए। इट्स अ वेरी प्रीशियस, क्योंकि 24 घंटे में से नियरली 1 आवर ही स्पेंड्स ऑन ग्रूमिंग। मेंस ज्यादातर बचपन से ही सुनते हैं कि और लेडीज लोग ज्यादा ध्यान देते, कॉन्शियस होते ना, पैसा नहीं रहा। मुझे खुद को याद है कि जब मैं बचपन में था तो मुझे पाउडर भी लगाना अच्छा लगता नहीं था, बालों को तेल भी नहीं लगाता था। अब मुझे सब अच्छा लगता है कुछ सालों से, क्योंकि ये अवेयरनेस, उसका कारण, उसका ब्यूटी क्या है समझ में आया। अब दूसरी कुछ बातें इसमें समझने के लिए कि ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जस्ट एक महज सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत ही मल्टीफेसेटेड और टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट है। जैसे आप इसमें अपना शेविंग का ब्लेड भी देख रहे हैं, बीच में रखा हुआ वहां पे। ये जस्ट ब्लेड नहीं है, इसके अंदर एक मोशन स्पीयर का सिस्टम डाला हुआ है, जिसके द्वारा आपके यहाँ खरोच या किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होता है। तमाम प्रोडक्ट की अपनी एक एक ब्यूटी है, अगर आप देखेंगे तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ का शेविंग फोम है, मैं एक काम करता हूँ, शेविंग फोम में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बताने की इच्छा हो रही है, रेड एल्गे के बारे में। कुछ लोगों को जरूर उसके बारे में मालूम होगा, रेड एल्गे के बारे में। हमारा जो शेविंग फोम है, अब फोम तो बाजार में बहुत सारे हैं, हम कोई भी फोम ले अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन डायनामाइट रेंज का फोम या डायनामाइट के बाकी प्रोडक्ट में क्या ब्यूटी है, जरूर उसको जानिए। आप सभी लोग जो लोग बिजनेस में है या पहली बार देख रहे हैं, उसको जानिए। ऑफ कोर्स विमेन्स लेडीज, यू कैन प्रमोट टू योर हस्बैंड, योर सन एंड योर फादर एंड योर ब्रदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। अब ये सेविंग फोम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाला गया है, उसको बोलते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी जो है ये बहुत ही पोटेंट, पोटेंट यानी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। सो समझिए, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास हैं, हमारे कलेक्शन में, दुनिया के नेचर में, और रेड एल्गी बहुत ही पोटेंट है। दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया सकता है रेड एल्गी का। एक तो टॉपिकल, टॉपिकल यानी जो हम बाहर से लगाते हैं अपने शरीर पे, हाथ पैर में। दूसरा सिस्टमिक, सिस्टमिक यानी जो हम कंज्यूम करते हैं, अंदर खाते हैं। और उसका बेनिफिट इतना वास्ट है कि इट इज अमेजिंग। और एक खुशी इस बात की होती है कि हमारे एमवे ने हम लोगों की बेहतर जिंदगी को और खूबसूरत, जस्ट प्रोडक्ट नहीं, बेहतर बनाने के लिए कहां कहां से क्या किया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट को लेकर थोड़ा समझना जरूरी है कि रेड एल्गी के हम जो फोम लगाएंगे उसे क्या क्या हो जाएगा हमारे जीवन में लगाने से। कंज्यूम से तो हो गए होगा, जो खाएंगे किसी तरह से उनको जो मिलेगा टैबलेट्स में या किसी चीजों में, लेकिन लगाने से भी टॉपिकली सबसे पहले आपके शरीर की जो त्वचा है उसके अंदर एक मॉइस्चर बनाए रखने में हेल्प करता है, और वाटर को रिटेंशन, मतलब वाटर को रोकता है वहां पे। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि आपकी त्वचा हमेशा नम और शुष्क रहती है, जिसमें शाइन बना रहेगा। बहुत दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं क्विकली निकल जाता हूँ, डिटेल में नहीं आता हूँ। अल्ट्रा वायलेट रेज सबको पता है, सूर्य की जो किरण है उसमें अल्ट्रावायलेट ए बी सी जो रेज है, ये हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती है। आपका शेविंग फोम जो अप्लाई आप करेंगे रेड एल्गे के अंदर, उसको अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है।
आप सोचिए आप क्या लगा रहे हैं शेविंग फोम दाढ़ी बनाने के लिए, और वो शेविंग फोम आपको अल्ट्रा वायलेट रे से दिन भर बचाएगा। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम कारणों से हमारे शरीर में या हमारे त्वचा में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स का एक ही लाइन, ऐसे सेल्स जो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, सेल त्वचा की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, और फ्री है तो कहीं भी घूमेंगे कुछ भी करेंगे नुकसान करेंगे, रेडिकल है नहीं उल्टा। तो ये उनको न्यूट्रलाइज करता है, यानी आप जब वो शेविंग फोम लगा रहे हैं तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, उसको मारता है। ऑफ कोर्स ये एम्वे ने नहीं कहा है बाय द वे, बट मैं रेड अल्गे के बारे में आपको मेरी थोड़ी सी स्टडी के बारे में बता रहा हूँ जो अवेलेबल है, आप भी इसको सोर्स कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये क्या करता है, जो रेडिकल्स बनते हैं फ्री रेडिकल उससे फाइट करता है, उसको किल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए कुछ। फिर अपना जो स्किन है इसमें रिंकल्स, स्पेशली जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं जिनका स्किन ड्राई है उसमें रिंकल्स बनना फोरहेड पे पहले इमिडिएटली, बाद में यहाँ नेक के यहाँ पे यू नो चिन में अलग अलग जगह पे रिंकल्स बनना बहुत कॉमन है। रेड एल्गे हेल्प इन स्टॉपिंग दिस रिंकल्स। ये इम्यूनिटी पे भी काम करता है, आपकी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक फोम जो शेविंग के पानी से बह जाएगा धोने के बाद, लेकिन आपके थोड़े से एप्लीकेशन शेविंग करने के बाद वहां की लोकल इम्यूनिटी को सपोर्ट कर देगा। और जब सिस्टमेटिक लेंगे मतलब यानी जब आप किसी तरह से कंज्यूम करते हो तो आई हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ऐसे तमाम जगह पे आप देखेंगे कि उससे आप उसका हेल्प ले सकते हो। यहाँ तक कि डायबिटीज के पेशेंट को डायबिटीज रेगुलेट, शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प करता है, यानी जो कैंसर के सेल्स जो विकृत सेल पैदा होते हैं वो सेल को भी नए ग्रो होने देने में मदद करता है। तो ये जो रेड एल्गी, देखो क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ कि एम्वे जो प्रोडक्ट बनाती है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती है बेचने के लिए, वो लोगों के जीवन में बेहतर और जिंदगी जीने के तरीके ढूंढ के हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में ले आती है, समझो उसको। ये मेंस ग्रूमिंग का जो मार्केट है लगभग 11,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, यानी बहुत बड़ा इंडस्ट्री मौजूद है, इतना बड़ा मार्केट मौजूद है, यानी इतने ज्यादा पैसे के लोग इस तरह के प्रोडक्ट को इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी लगभग 5.5-6% की ग्रोथ से बढ़ता ही जा रहा है। प्रोडक्ट के अंदर मतलब एक सुंदर सा खुशबू भी है, जब भी आप अप्लाई करोगे अलग अलग तरीके से, चाहे इसका जेल इस्तेमाल करोगे, चाहे इसका हेयर क्रीम इस्तेमाल करोगे, मुझे थोड़ा कम लगेगा, आप लोग देखिए अपने बारे में। So I have a lot to share, but I'll stop here and I'll jump over to my main topic today, which my host expect from me to talk. So this is something about very important point. Sunil bhai and team, all leaders, is it okay? I stopped my hair about the red algae. I wanted to promote because वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो आप अपने टीम में even जिसको नहीं ज़रूरत है shaving करने की तो भी लगा के धो देना। I'm just kidding, right? It is for purely for gents. I don't mean it, please, dear friends.